आज हम आपको एक ऐसे धाम के बारे में बताएंगे जिसका वर्णन रामायण के आरण्य कांड में मिलता है, जहां भगवान राम ने राम पद गमन के दौरान ऋषि अगस्त के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन दिए थे। इस स्थान पर भगवान राम ने राक्षसों के संहार के लिए संकल्प लिया था। यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की वह पावन धरती है जहां भगवान राम पदगमन के दौरान इस धरती पर आए थे। इसके प्रमाण आज भी यहां देखने को मिलते हैं। पन्ना से 23 किलोमीटर दूर स्थित सारंग मंदिर, जिसको सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम भी कहा जाता है, यहां राम पदगमन के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अक्षय वट के नीचे ऋषि अगस्त के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन दिए थे। ऋषि पर हो रहे अत्याचार को लेकर राक्षसों के संहार के लिए इस धरती पर भगवान राम ने अपना धनुष रखा था और दोनों भुजा उठाकर राक्षसों के संहार के लिए प्रतिज्ञा ली थी, जिसका वर्णन आरण्य कांड में भगवान तुलसीदास की रामायण में किया गया है। इसी के चलते इस विंध्य पर्वत श्रृंखला और संरचना भगवान के धनुष के आकार की बन गई। इस मंदिर का निर्माण छत्रसाल के वंशज और पन्ना राजघराने के महाराजा हरिवंश राय जी ने किया था। इस पूरे धाम का नाम भगवान राम के धनुष सारंग के नाम से रखा गया है। शहर से जैसे ही स्थान में प्रवेश करते हैं, मुख्य द्वार पर भगवान राम के धनुष के आकार का पंचचिन्ह मिलता है और धनुष रूपी आकार से इस मंदिर के मुख्य गेट का निर्माण कराया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम सीता की प्रतिमा विराजमान है। सामने राम भक्त हनुमान की प्रतिमा मौजूद है।